इतना सोना है सोने जैसा तेरा मन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस और कॉमिक टाइमिंग से बॉलीवुड पर राज किया, द वन एंड ओनली गोविंदा। लेकिन आज का सवाल यह है कि गोविंदा का क्या हुआ? वो एक्टर जो एक समय पर बॉलीवुड के राजा थे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल से सबका दिल जीता, लेकिन उनके करियर में कई कंट्रोवर्सी और उनके ईगो ने काफी प्रभावित किया। बॉलीवुड में कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर गोविंदा की फैन फॉलोइंग का कोई जवाब नहीं था और ऐसा लग रहा था कि गोविंदा को कोई नहीं रोक सकता था। सलमान खान, शाहरुख खान जैसा इनका फैन हो सकता था। गोविंदा के करियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल आया और लाइन से लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, उन पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी होने लगी और धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई और इस चीज़ का ब्लेम गोविंदा ने बॉलीवुड पर लगाया कि बॉलीवुड ने उनके अगेंस्ट साजिश की। Maybe they are not realizing, but they are indirectly doing very negative job, जो वो wrong type के लोग करते हैं। ये यहाँ का माहौल है ही नहीं। लेकिन सवाल तो यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है गोविंदा के करियर का डाउनफॉल और कौन सी कंट्रोवर्सी थी? एक ऐसे महान और टैलेंटेड एक्टर इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से यूं गायब हो गया। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। गोविंदा का असली नाम था गोविंदा अरुण आहूजा। उनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार का जुड़ाव फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही था। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा बॉलीवुड में डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर थे। उनकी माता निर्मला देवी बॉलीवुड में क्लासिकल सिंगर थीं। गोविंदा का बचपन मुंबई के एक विराट इलाके में स्थित छोटे से चोल में बीता था। गोविंदा के पिता अरुण कुमार आहूजा एक एक्टर थे जिन्होंने महबूब खान की फिल्म औरत से पहचाना जाता है। गोविंदा का परिवार पहले मुंबई के काटर रोड स्थित एक आलीशान बंगले में रहता था, लेकिन उनके पिता को फिल्मों में पैसे लगाकर नुकसान हुआ तो उन्हें बंगला बेचकर विराट के स्थित छोटे से चौल के घर में रहना पड़ा। यही गोविंदा का जन्म हुआ, वहीं पर गोविंदा का बचपन गुजरा। गोविंदा की माँ उनको पूजा पाठ करने को कहती थी जिससे उनका मन काम कर सके। गोविंदा ने कॉलेज जाकर थिएटर किया, वो एक एक्टर बनना चाहते थे। फिल्म डिस्को डांसर से इतना प्रेरित हुए कि वो प्रैक्टिस करने लगे और वो उस समय इसको रिकॉर्ड करके प्रोड्यूसर के पास जाकर बांट आते थे और वो भी ऑडिशन के लिए, ताकि कोई ना कोई तो उन्हें नोटिस कर लेगा। और फाइनली उन्हें फिल्म तन बदन में साल 1986 उनको पहला ब्रेक मिला जो आनंद ने डायरेक्ट की थी। गोविंदा की पहली फिल्म थी इल्जाम जो साल 1986 में कदम रखा। यह फिल्म सुपरहिट हुई, गोविंदा का करियर टेक ऑफ हो गया। 80 और 90 के दशक के दौरान ही गोविंदा बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए थे। उनकी मूवीज जैसे कुली नंबर वन, राजा बाबू, हीरो नंबर वन, दूल्हे राजा और हसीना मान जाएगी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। उनका कॉमिक टाइमिंग और उनका डांस मूव एक सिग्नेचर बन गया था। गोविंदा को एक मास एंटरटेनर माना जाता है। उन्होंने अपने यूनिक स्टाइल और रंग बिरंगे आउटफिट से ऑडियंस का दिल जीत लिया। उनके डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन का कोई जवाब नहीं था। जो भी उनके साथ काम करता वो उनके काम से इम्प्रेस जरूर होता था। जहां एक तरफ उनका करियर टॉप पर था, वहीं दूसरी तरफ लेट 2000 के दशक में उनके करियर में डाउनफॉल देखने को मिला। क्या कारण थे इस डाउनफॉल के पीछे, चलिए जानते हैं। पहला कारण था उनकी फिल्मों का रिपीटेड फॉर्मूला। जहां जनता को नए कंटेंट की जरूरत थी, वहीं गोविंदा की फिल्में भाग्यवश गोविंदा की फिल्में वही पुराना फॉर्मूला फॉलो करती थी। दूसरा कारण था उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट। सेट पर लेट आते थे,
उनकी पंचुअलिटी को लेकर कई शिकायतें थी। यही छोटे छोटे फैक्ट उनके करियर के डाउनफॉल में योगदान करते गए। गोविंदा ने 2004 में पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पे नॉर्थ मुंबई से इलेक्शन लड़ा और जीता भी, लेकिन उनका पॉलिटिक्स करियर भी कुछ खास नहीं रहा। उन्हें लगा था कि वो पॉलिटिक्स के थ्रू पॉपुलैरिटी को बना लेंगे प्ले अगेन, लेकिन यह डिसीजन उनके करियर के लिए ठीक नहीं रहा। पर्सनल लाइफ में भी उन्हें कई चैलेंज का सामना करना पड़ा। उन्हें कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स के हेल्थ इश्यूज और खुद उनके हेल्थ इश्यूज ने भी उनके करियर को काफी प्रभावित किया। व्हाट हैपेंड टू गोविंदा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा। गोविंदा ने एक साथ 75 फिल्म साइन कर ली थी, जिसमें उन्हें काफी फिल्में छोड़नी पड़ी। फिर भी उनकी झोली में 40 फिल्में थी। इवन टू उनकी कई फिल्में हिट पर हिट हो रही थी। उनकी बिहेवियर से एक चीज तो मिस थी, और यह काफी लोगों का कहना था कि गोविंदा अक्सर सेट पर लेट आते थे। गोविंदा उनकी को स्टार रह चुकी रवीना टंडन। रवीना और गोविंदा ने कई बॉलीवुड को सुपरहिट फिल्में दी हैं, और रवीना का यह कहना था कि रवीना सेट पर 9 बजे पहुंच जाती थी, यह जानते हुए कि गोविंदा टाइम पर नहीं आएंगे, वो 2 से 2:30 बजे के बीच में ही सेट पर आएंगे। रवीना कहती हैं कि मैं सेट पर पहुंच जाती थी, अपना मेकअप कंप्लीट करती थी, अपना कॉस्ट्यूम पहन लेती थी और अपनी अधूरी नींद को पूरा कर लेती थी, क्यों उन दिनों 3 से 4 शिफ्ट होते थे। रवीना ने यह भी खुलासा किया था कि ऐसा नहीं है कि गोविंदा सेट पर लेट आते हैं तो उनका पूरा शेड्यूल डिले हो जाता है। कहती हैं कि गोविंदा अपने काम में इतने माहिर थे कि जहां एक सीन शूट करने के लिए पूरा दिन लग जाता था, वहीं गोविंदा उस सीन को 1 घंटे में ही कंप्लीट कर देते थे। रवीना ने यह भी कहा कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गोविंदा के काम करने के तरीकों को अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्हें उनसे कोई प्रॉब्लम या शिकायत नहीं होती थी। मैंने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। अमरीश पुरी जी ने गोविंदा को एक बार थप्पड़ जड़ दिया था। असल में अमरीश पुरी साहब जी अपने समय के बड़े पाबंद थे और गोविंदा हमेशा सेट पर लेट आते थे। एक इंटरव्यू में गोविंदा के बारे में बात करते हुए टीनू वर्मा ने कहा था कि गोविंदा काम करने में टॉप के एक्टर हैं, लेकिन समय के पाबंद नहीं थे। लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन उनका कहना था कि गोविंदा ने अपने ही गर्दन पर कुल्हाड़ी मार ली। उनकी वजह से विदेश में शूट हो रहे 3 से 4 दिन की शूटिंग को रोकना पड़ा था, क्योंकि वो सेट पर पहुंचते ही नहीं थे। इतना ही नहीं, जब गोविंदा ने अमिताभ बच्चन जी को और रजनीकांत सर को हम फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट 5 दिन तक का इंतजार करवाया था। सफलता के नशे में चूर गोविंदा सिर्फ लीड रोल करना चाहते थे। इसकी वजह से उन्होंने कई बड़ी फिल्में भी ठुकरा दी थी। एक गलती यह भी थी, उन्होंने साल 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करा, इसने उनका करियर डुबा दिया। और एक वजह उनका घमंड रहा था। गोविंदा ने सलमान खान, कादर खान साहब और डेविड धवन के साथ झगड़ा कर लिया था। कहा जाता है कि फिल्म 1 और 1:11 को डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे थे। कहा जाता है कि एक सीन को लेकर गोविंदा डेविड से सहमत नहीं थे और सीन में बदलाव चाहते थे। इसे लेकर डेविड बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसी बीच सेट पर संजय दत्त भी पहुंचे और उन्होंने इस मामले में डेविड की तरफदारी की, जिस बात से गोविंदा काफी नाराज हो गए। आगे सेट पर सब ठीक रहा, लेकिन दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। यह भी फेमस है कि गोविंदा के गालों पर एक निर्देशक ने जड़ा था जोरदार तमाचा। साल 2012 की बात है, गोविंदा अपनी फिल्म रन भोला रन में व्यस्त थे। वह अपने को स्टार आर्यन वैद्य के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जब एक्शन के बाद आर्यन वैद्य ने गोविंदा के गालों पर जड़ दिया तमाचा, जोरदार थप्पड़ जड़ दिया,
तब गोविंदा अपना आपा खो बैठे। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और निर्देशक नीरज बोरा के गालों पर जोरदार चमाटा जड़ दिया। उनकी यही हरकत चर्चा का विषय बन गई। गोविंदा और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बीच रिश्ते खराब होने लगे। एक बार तो डेविड धवन ने गोविंदा को काम देने से ही मना कर दिया। डेविड और गोविंदा की जोड़ी हर किसी की जुबान पर होती थी। उन्होंने टीवी शो आपकी अदालत में कहा, मैंने सिक्योरिटी से अपने फोन का स्पीकर ऑन रखने को कहा था ताकि मैं यह सुन सकूं कि डेविड क्या कह रहे हैं। मैंने डेविड को कहते हुए सुना, चीची बहुत सवाल करते हैं। तो डेविड का फोन ऑन था, तो फोन पे मैंने सुन लिया वो कह रहे हैं कि चीची बहुत सवाल पूछने लग गया है और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं। उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो करे। कमबैक गोविंदा ने अपने करियर को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए। साल 2014 में उन्होंने किल दिल फिल्म से कमबैक किया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इसके बाद हैप्पी एंडिंग और आ गया हीरो जैसी फिल्में की, लेकिन दुर्भाग्यवश यह भी फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। जब एक एक्टर का करियर डाउनफॉल होता है तो उनके लिए कमबैक करना उतना ही मुश्किल होता है। गोविंदा ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उनका लक साथ नहीं दिया। गोविंदा की शायद यह एक बड़ी गलती थी। उन्हें मूवी में सेकंड रोल करने से मना कर दिया। वो एक सुपरस्टार हूँ। गोविंदा ने कुछ ऐसी फिल्मों का चुनाव किया जो उनके करियर की बड़ी बड़ी गलती साबित हुई। वहीं कुछ फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। महाभारत साल 1986 में आई बीआर चोपड़ा की टीवी सीरियल को इन्होंने रिजेक्ट किया। चांदनी फिल्म साल 1989 में इन्होंने रिजेक्ट किया। ताल फिल्म को भी साल 1999 में रिलीज हुई ऐश्वर्या के ऑपोजिट इन्होंने रिजेक्ट किया। गदर 2001 में सुपरहिट फिल्म को रिजेक्ट किया गोविंदा ने। साथ ही साथ देवदास साल 2002 में आई चुन्नी लाल के कैरेक्टर को या यूं कहें रोल को मना कर दिया। यह सारी मूवीज हिट और सुपरहिट थी। उनका अगला मिस्टेक था पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, जहां उनका कमबैक भागम भाग पार्टनर हिट तो था पर यह सारी फिल्म गोविंदा के दम पर नहीं चली और उसके बाद गोविंदा की कोई भी सोलो फिल्म नहीं चली। और तो और दो उन्होंने साइड रोल भी किया जिसमें रावण किल दिल फ्लॉप रही, क्योंकि उन्होंने ट्रेंड को नहीं चुना। वो वही 80-90 के दर्शक का फॉर्मूला अपना रहे थे। गोविंदा अक्सर ब्लेम करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को कि उन्होंने उनके साथ साजिश की है, उनको ग्रुपिज्म का शिकार होना पड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे उनका रोल छीना है और उनकी फिल्में ही रिलीज नहीं होने दी है। नो डाउट कि गोविंदा में टैलेंट नहीं है, इनफैक्ट मोस्ट वॉसेटेड इंसान, बट इसमें कोई डाउट नहीं कि गोविंदा के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है उन फिल्म डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर एंड हो गया था फिल्म मेकर्स के लिए, जिसकी वजह से कितने सारे फिल्म मेकर्स उनसे दूरी बनाने लगे और साथ में गोविंदा जाने जाते थे छोटी छोटी बात पर नाराज होने के लिए। जैसा कि कादर खान सर ने एक बार उन्हें डांट दिया कि वो इतने नाराज हो गए कि वो कादर खान सर से ही अलग हो गई। गोविंदा की इन्हीं छोटी मोटी चीजों ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से उनका रिश्ता खराब कर दिया। अगर हम बात करें गोविंदा के समय के, वो सभी एक्टर, वो चाहे शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार हो या अमिताभ बच्चन या अनिल कपूर या संजय दत्त, वो भी देवल आज भी फिल्म करते नजर आते हैं। जबकि एनिमल फिल्म के एक छोटी सी किरदार ने उनके करियर को टॉप पर ला दिया। गोविंदा ने अपने करियर के गोल्डन ईयर्स में फैन फॉलोइंग बनाई थी, वो आज भी उनके साथ है। उनके फैन उन्हें देखना पसंद करते हैं, वो चाहे कोई भी मीडियम हो। एक ऐसा एक्टर जो अपनी हार्ड वर्क और अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में राज किया, अपने डाउनफॉल को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े कि बॉलीवुड में ऐसे कम ही एक्टर्स हैं
जो उनके जैसे ही वर्सटाइलिटी और करिश्मा रखता हो। तो दोस्तों यह कहानी थी हमारे चीची भैया यानी बॉलीवुड के हीरो नंबर गोविंदा जी की। आपको क्या लगता है कि गोविंदा के करियर के बारे में क्या आप उन्हें फिर से बिग स्क्रीन पर देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आपका एक कमेंट एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।